नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स डेली वोकैब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर आपके सामने 10 वोकैब मौजूद हैं जिन्हें हम ट्रिक के माध्यम से बांधने की कोशिश करेंगे और एक बार लिख लेने के बाद वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। एक बार अगर आप उनका रिवाइज करेंगे तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएंगी, उनके बीच में हम कनेक्शन ऐसा बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। पहली वोकैब है डांट। डांट DAUNT थ्रेट या इंटीमेटेड। थ्रेट मीन्स होता है धमकी देना, ठीक है। डांट का मतलब है धमकी देना। देखिए डांट, डांट में डांट का उच्चारण है तो डांट में अपन डांट का उच्चारण करते हुए डांट और धमकी, डांटना और धमकी लगभग एक जैसा होता है। हम किसी को डांट कर ही धमकी देते हैं या फिर जब धमकी देते हैं तब डांटते हैं। इसका दूसरा है इंटीमिडेटेड। इंटीमिडेटेड मीन्स इसका मतलब भी होता है धमकी। अब इंटीमिडेटेड जो है इंटीमेट से बना हुआ है, इंटीमेट, इंटीमेट से कनेक्ट करेंगे इसे, और इंटीमेट का मतलब होता है करीबी। इंटीमेट का मतलब करीबी, तो जो हमारा करीबी होता है वो ही हमें धमकी देता है, यानी जो हमारा करीबी होता है वही हमें डांटता है। और जब हमें डांटा जाता है इसका मतलब हमें धमकी दी जाती है। कोई हमें डांटता है तो वो धमकी देता है, अगर हम किसी को धमकी देते हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डांट रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और कनेक्ट हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारा है इडलिक। इडलिक और वेरी हैप्पी प्लेस के बारे में है, किसी पर्सन के बारे में नहीं है, प्लेस के बारे में। जो हैप्पी प्लेस है या पीसफुल प्लेस है उनको हम बोलते हैं इडलिक। इडलिक को आइडियल से कनेक्ट करेंगे। आइडियल मीन्स होता है आदर्श, यानी कि आदर्श एक ऐसी चीज़ होती है, आइडियल एक ऐसा होता है जो कहीं और नहीं होता, उससे अच्छा कहीं और नहीं होता, उससे बेहतर नहीं होता। तो इडलिक एक ऐसा प्लेस है जिससे बेहतर कोई प्लेस नहीं हो, और हमेशा बेहतर प्लेस कैसा होगा, वेरी हैप्पी प्लेस या फिर पीसफुल प्लेस, ठीक है। तो इडलिक यानी आदर्श, यानी जिससे कोई बेहतर नहीं है, वो कौन सा है, वेरी पीसफुल प्लेस। नेक्स्ट हमारा है वर्जियन। वर्जियन, वर्जियन को हम कनेक्ट करेंगे वर्जिन। वर्जिन सभी लोग जानते हैं, वर्जिन यानी कुंवार या कुंवारा। तो जो कुंवारपन होता है, जो युवा अवस्था होती है कुंवारपन में, उस टाइम पे फ्लोरिशनेस बहुत अधिक होती है। एक्सपेंड और फ्लोरिशेस के दो मीनिंग है, बहुत सारे हो सकते थे, हम केवल दो ही से कनेक्ट करेंगे, हमें वर्ड का मीनिंग याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वर्जिन, जब वर्जिन एज आती है, वर्जिन टाइम में, उस समय में सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होता है व्यक्ति का शरीर और फ्लोरिस होता है। फ्लोरिस में होता है फूलना फलना। तो फूलना फलना और एक्सपेंड होना यानी विस्तार होना किस समय होता है, वर्जिनिटी के समय, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एनोमलस। एनोमलस मीन्स एबनॉर्मल होता है। एनोमलस और एबनॉर्मल एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एबनॉर्मल मीन्स होता है असामान्य, यानी जो सामान्य से भिन्न है, जो सामान्य नहीं है। कनेक्ट करते हैं, देखते हैं। एनोमलस में ANO, NO, MAL और OUS, इनको तीन हिस्सों में अपन ने बांटा। NO को अपन पढ़ेंगे अनु, और MAL माल, असमिस हमारा, अनु हमारा माल है, मतलब अनु कोई लड़की है। अब हम उसे क्या समझने लगे, माल समझने लगे, जबकि वो एक लड़की है और उसे माल समझ लेना एक कैसी घटना है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मीन्स असामान्य। कोई लड़की है अनु, उसे अगर कोई आप लड़की ना समझकर उसे माल समझने लगे तो एक कैसी घटना है, एबनॉर्मल घटना है। ये आपके साथ नॉर्मल स्थिति नहीं है, आपके दिमाग में कुछ टेक्निकली खराबी है, इसलिए आप अनु यानी किसी लड़की को माल समझने लगे, एनोमलस, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्राइएबल। फ्राइएबल मीन्स ईजिली क्रम्बल्ड। क्रम्बल्ड का मीनिंग बताएं, क्रम्बल्ड का मीनिंग होता है टुकड़ों में बट जाना या चूर चूर कर देना, ठीक है। ईजिली माने आसानी से, जिस चीज़ को आसानी से चूर चूर किया जा सके उसे बोलते हैं फ्राइएबल। फ्राई वर्ड सबने सुना होगा, फ्राई करते हैं यानी किसी चीज़ को तेल में, कढ़ाई में फ्राई करी जाती है। तो उसमें क्या, फ्राई करते समय किसी चीज़ को क्रम्बल किया जाता है, यानी टुकड़ों में उसे काट कर ही फ्राई किया जाता है, इसलिए ईजिली क्रम्बल। जिस चीज़ को ईजिली क्रम्बल कर लिया जाएगा उस चीज़ को हम क्या कर देंगे, फ्राई। उससे आप कनेक्ट रख सकते हैं, आलू होते हैं पहले हम उन्हें ईजिली क्रम्बल करते हैं यानी काटते हैं टुकड़ों में, फिर क्या कर देते हैं उन्हें, फ्राई। तो फ्राइएबल का मीनिंग हो जाएगा ईजिली क्रम्बल्ड या फिर टुकड़ों में काटना। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ है प्रोटीन।
प्रोटीन है, ये प्रोटीन नहीं है, लेकिन प्रोटीन मीन्स होता है फ्रिक्वेंटली चेंजिंग। फ्रिक्वेंटली चेंजिंग यानी जो लगातार चेंज हो रहा है, ये एक एडजेक्टिव है और इसमें ये दूसरे नाउन को क्वालिफाई करता है। तो फ्रिक्वेंटली चेंजिंग यानी ऐसी चीज़ जो लगातार बदलती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन का मीनिंग हम प्रोटीन से निकालेंगे। प्रोटीन जो हमारा होता है, प्रोटीन जब हम लेना शुरू कर देते हैं, जिम जाते हैं और जिम जाते प्रोटीन जब लेना शुरू कर देते हैं, प्रोटीन से क्या होता है, बॉडी में लगातार चेंजेस आने लगते हैं। हमारी बॉडी लगातार कैसी होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो जब हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन की कमी होती है तो बॉडी घटने लगती है, प्रोटीन की अधिकता होती है बॉडी बढ़ने लगती है। यानी कि प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है, लगातार उसमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। किस वजह से, प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन मतलब प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिकोंडाइट। रिकोंडाइट का मीनिंग है डाइट। इसमें रिकोंडाइट का मीनिंग है लिटिल नॉन एब्स्ट्रूस। लिटिल नॉन का मीनिंग होता है कम जानकारी। सभी जानते हैं, लिखा हुआ है लिटिल नॉन, कम जानकारी। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है गूढ़ रहस्य। पहले तो गूढ़ रहस्य और कम जानकारी एक दूसरे के सिनोनिम कैसे होंगे ये समझ लेते हैं। कम जानकारी और गूढ़ रहस्य, देखिए किसी चीज़ के बारे में अगर कोई गूढ़ जानकारी है तो वो गूढ़ जानकारी कम ही होगी। बहुत कम मात्रा में ऐसी जानकारियाँ होती हैं जिन्हें गूढ़ रखा जा सकता है। इसलिए कम जानकारी और गूढ़ जानकारी एक दूसरे के सिनोनिम होंगे। और रिकोंडाइट को कनेक्ट करने के लिए इसमें डाइट देखेंगे, DITE। डाइट, जब कोई डाइट पे जाता है या कोई हीरोइन या आप भी जब डाइट लेते हैं या डाइट पे रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, लिटिल नॉन कम खाने लगते हैं बहुत। ठीक है, या फिर गुड़ यानी कि गुड़ खाने लगते हैं, दोनों से बना सकते हैं। लिटिल नॉन से लिटिल डाइट लेते हैं आप, कम खाने लगते हैं, या फिर एब्स्ट्रूस से निकालें तो गुड़ खाना शुरू कर देते हैं जब आप डाइट पे जाते हैं, तो रिकॉन डाइट आपका कनेक्ट हो जाएगा। आगे आपका है नेक्स्ट बॉयस्ट्रियस। बॉयस्ट्रियस चीयरफुल है, बॉयस्ट्रियस को हम कनेक्ट करेंगे तो इसमें बॉयस, इसको बॉयस लिखेंगे और टेरेस। ठीक है, वेस्ट्रियस, वेस्ट्रियस को बॉयस और टेरेस दो भागों में बांटेंगे, जिसका मतलब है चीयरफुल यानी कि उत्साहपूर्ण, और एनर्जेटिक यानी कि एनर्जी से भरा हुआ, ऊर्जा से परिपूर्ण। ठीक है, वेस्ट्रियस यानी बॉयज हैं, बॉयज जो हैं टेरेस पे आते हैं। बॉयज कहाँ हैं, टेरेस पे। तो जब बॉयज टेरेस पे आएंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, चीयरफुल, क्योंकि टेरेस से उन्हें अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिले तो चीयरफुल हो गए। एनर्जेटिक, उत्साह से भी, एनर्जी से भर गए, क्योंकि टेरेस पे जब चढ़कर आएंगे तो उनके शरीर में जो है ऊर्जा भर जाएगी, उनकी सांसें तेज चलने लगेंगी। इसका मतलब बॉयज जब टेरेस पे आते हैं तो चीयरफुल हो जाते हैं और एनर्जेटिक हो जाते हैं, बॉयज टेरेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है नाइन्थ कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस को कंट्रोवर्शियल, सिंपल है। कॉन्टेंशियस मीन्स विवादास्पद और कंट्रोवर्शियल मीन्स विवादास्पद। मुझे लगता है इसकी कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉगमेटिक। डॉगमेटिक हमारा है एसर्टिव या फिर इम्पेरेटिव। एसर्टिव मीन्स होता है कट्टर, या जो अपने विचारों से डिगे ना, नहीं अपने विचारों पे अड़ा रहे। इम्पेरेटिव मीन्स होता है आज्ञाकारी, जिसे एक बार आज्ञा दी जाए उसके बाद वो उसको ना बदले, वो उस पे ही डटा रहे हमेशा, उसको बोलते हैं एसर्टिव या फिर इम्पेरेटिव। डॉगमेटिक कैसे कनेक्ट होगा, डॉग, डॉगमेटिक में डॉग आता है, डॉग। डॉगमेटिक मीन्स मेंटली। ठीक है, मेटिक से हम मेंटल का कुछ अर्थ निकाल सकते हैं। तो जो जिसकी मेंटलिटी कैसी है, डॉग की तरह है। डॉग की मेंटलिटी कैसी होती है, डॉग की मेंटलिटी होती है हम उसे कहते हैं कि बाहर रहना, वो बाहर रहता है, हम कहते हैं सब पे भूखना, तो वो सब पे भौंकता है, भले ही कोई भी इंसान हो या कोई जानवर हो, वो सब पे भौंकता है। हम उससे कहते हैं यहाँ रुक जाओ तो वो वहाँ रुक जाता है। मतलब वो एक तरह से कट्टर है, वो खुद का बुरा कर लेता है लेकिन आपका कभी आपकी बात नहीं टालता, हमेशा इम्पेरेटिव रहता है और हमेशा असर्टिव रहता है। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 10 वर्ड याद किए। इनका एक बार आप लिखेंगे कॉपी पे, लिखने के बाद एक बार आप रिवाइज करेंगे, उसके बाद आपको ये आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। दो चार बार जब आप कहीं भी देखेंगे इन्हें तो आप इनको आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कल फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में नए शब्दों के साथ।